सो व्हाट्सअप डीजी आर्मी, तो आज हम खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पीई एपिसोड 19 और आज हम करने वाले हैं हमारे स्लाइम फार्म का काम। सो लेट्स रोल द इंट्रो। सो देखिए गाइस, मैंने तो अपना इंट्रो ही बदल दिया, इसको मैं खोलता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी हमको ये करना है कुछ हमारा स्लाइम फार्म। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ स्लाइम फार्म होता क्या है। स्लाइम फार्म एक मॉब का फार्म है जिसका नाम स्लाइम होता है, ग्रीन कलर का दिखता है और स्लाइम जो है वो उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इस गेम में। तो फिर देखो, उसको बनाने के लिए तुमको एक चंक चाहिए रहता है। उस चंक को आप कैसे ढूँढोगे मैं आपको बताता हूँ। आप मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ये जब वीडियो जब अपलोड होगी उसकी कुछ मुश्किल से एक दिन बाद आ जाएगी वो वीडियो, इसके अपलोड होने के बाद, या फिर एक दिन पहले भी आ सकती है कुछ बताएं, या फिर उसी दिन आएगी जहाँ तक मेरे को लगता है। तो उसके लिए आपको एक चंक ढूंढना पड़ेगा जो कि 16x16 ब्लॉक्स का होता है। तो मैं आपको गिनवाता हूँ, 1, 2, 3, 4 ये वाला 5 है और सुपर रेड बन, और ये वाला 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मेरे यहाँ तो मौसम भी ख़राब हो रहा है आज, मुझे जाना ही पड़ेगा। मतलब आज छोटी वीडियो होगी, कोई नहीं होगा। ये भी ऐसे 16 है, जैसे 16x16 का यहाँ पे आपको स्क्वायर बना लेना है ताकि आपका थोड़ा अच्छा हो जाए। मतलब ये यहाँ को बनाना ही नहीं, ऊपर में ये बनाने के बाद ये तो मैं ऐसे ही लगाया था, ये भी मैंने ऐसे ही लगाया है। जो आपको मेन काम होगा वो है नीचे होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ से 40 ब्लॉक नीचे 34 मैं आप किसी भी ब्लॉक पे कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है 34। जैसे 34 ब्लॉक पे मैं हूँ, वो अच्छा ऊपर पानी है, मैं कंफ्यूज हो गया था तो मैं नीचे का पानी कहाँ गया। ठीक है, 34 ब्लॉक्स पे आप कर सक बनाया हूँ मैंने स्लाइम फार्म। ये और नीचे जाएगा तो इधर, जैसे मैं गेट खोलता हूँ तो ये गेट खोल के यहाँ पर आपको आना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पूरा लाइन 16 है, ये वाला से 16 है। तो 16x16 का स्क्वायर बनाना है। अब बहुत सारी लाइट कर देनी है, और ये क्या मैं आपको बताता हूँ, ये है जैको लैंटर्न जो आप एक टॉर्च और एक पंपकिन से बना सकते हो। तो यहाँ पप्पू बहुत सारी लाइटिंग कर देनी है, फिर वो स्पॉन में चालू हो जाएंगे। और ये मैंने अभी अभी कुछ ही मिनटों पहले बनाई है, उसलिए कोई स्पॉन नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं एक बार पॉज करता हूँ और देखता हूँ कि कोई स्पॉन हो जाए। सो देखते हैं। तो ठीक है गाइस, मैंने वेट किया और ये स्पॉन हुए हैं, लेकिन मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मेरे को अभी अपनी जगह चेंज करना पड़ गया। उसके कारण आपको हो सके तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आए, थोड़ा सा क्या पूरा आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे हैं भाई, इनको तो मैं ट्राइडेंट से बेलता हूँ। ये 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 मोटू, तो इन सबको आपको ऐसे मारना है। तो देखो जगह चेंज करने के कारण कुछ प्रॉब्लम, और इस मोटू को तो मैं ट्राइडेंट से ही मारूंगा, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये और छोटे होते जाते हैं। और यहाँ पर बैरन है मैंने, और इसको मैं आई थिंक सो हटा दूँ, लेकिन मेरे पास है नहीं कुछ कुल्हाड़ी बुढ़ाड़ी, तो इसको मेरे को हाथ से ही तोड़ना होगा। इसको मैं इधर रख देता हूँ अंदर। अब मैं यहाँ पर इनको आराम से मार सकता हूँ। तो देख सकते हो हमको स्लाइम बॉल्स मिलना चालू हो गए, 11 मिल चुके हैं हमको। तो हमको वही चाहिए था स्लाइम बॉल्स, और देख सकते हो भाई कुछ 40 मिनट के बाद इतने सारे आए हैं, और मैं इधर ही खड़ा था उसलिए इतने सारे आए हैं। तो कुछ आधा घंटा हो गया होगा मेरे को इधर ही खड़ा था, मैं ऐसे ही फ़ोन को चार्जिंग में लगा के छोड़ के निकल लिया था मैं। तो भाई भाई देख सकते हो कितना एक स्टैक हो जाएगा, हम लग रहा है मेरे को एक स्टैक हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे छोटे वाले होते हैं वो फिर अंदर आ जाएंगे। तो मैं ट्रैपडोर लगा दूंगा आयरन का, तो वो अच्छा रहेगा, हम उसको खोल भी नहीं पाएंगे अपने हाथ से। और भाई कितने सारे हैं भाई, कितने सारे, मतलब कितने सारे हैं ये लोग, और ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, और छोटे हो गए ले बताओ। मैं इनको मारता हूँ, जल्दी से मर जा भाई, मर जा मर जा मर जा, जल्दी से मर जा, ये भी लास्ट। ओके एक और बचा है,
और है, मतलब लिटरली कितने सारे हैं यार, कितने सारे हैं। और ये आपको मारते हैं ना, मैं बता दूँ, ये आपको मारते हैं, लेकिन छोटे वाले नहीं मार पाते, वो छोटे हैं बोल के। मतलब देख लो, एक स्टैक हो ही गया। ये भी है, देख सकते हो, एक स्टैक हो गया। तो मैं 64 को रख देता हूँ, बाकी का मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। गाइस मैं आपको बता दूँ इस काम के, मैं बता दूँ कि आप इसे बनाओ कैसे। 16x16 का आपको स्क्वायर करना है, पूरी लाइटिंग लगा देनी है अंदर, और पूरी लाइटिंग लगा देनी है, और बस हो गया आपका, बन गया समझो। और आपको 40 ब्लॉक से नीचे करना है, और आपको चंक ढूंढना है। और चंक आप चंक कैसे ढूंढोगे, एक ऐप आता है स्लाइम चंक फाउंडर, उसी से आप ऐसे ढूंढ सकते हो बड़े आसानी से। और देखो मैंने वो लगाए पहना है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या ना, फ्रॉस्ट वॉकर। तो ये जमा देता है बर्फ पानी को, तो ये बर्फी रहेगा, लेकिन अभी दिन हो रहा है बोल को पिघले जाए, और ये बर्फ को हमको दिक्कत जाएगा। ये देखो ये बर्फ हो जाता है कभी कभी, और फिर मैं देखो ऐसे गिरूंगा तो उसको मेरे को डैमेज होगा, ये अच्छा चीज़ नहीं है। ये देखो मैं डैमेज हो ही जा रहा हूँ गिरता हूँ तो। ये देखो अब अगर आप ज़्यादा ऊपर से गिरते हो तो नहीं होता, लेकिन अगर मैं उसी को कम ऊपर से गिरूँ तो होगा, और यहाँ पर भी होगा। ये देखो तो ठीक है गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करते रहो, और डी आर्मी इज ग्रेट। सो ठीक है गाइस, ये वही है एपिसोड 19 है, ये मत सोचना कि एपिसोड 20 है ये, हालांकि तुम सोचोगे भी क्यों। तो गाइस मैं आपको ये बोल दूँ कि देखो हमारा पिछला पार्ट जो था एपिसोड 19, तो उसमें मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो इसलिए मैं इस पार्ट में कुछ करूँगा, जो कि अपना 2x2 पिस्टन डोर मैं बनाऊंगा। अगर ये खुल जाए उसके लिए मेरे को पहले ये निकालना पड़ेगा, वरना फिर जम जाएगा बार बार। अब पहन लूँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो सामने दिख रहा है ये हमारा मेन होगा। तो देखो मैं आपको पहले कुछ चीज़ बता दूँ, हमको 3 ब्लॉक से जगह चाहिए, ये होगा 1 ब्लॉक। ओ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कितने आराम से गिर रहा हूँ, ये होगा मतलब ऐसे इधर में नहीं तो खोद के गिर रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक तो ये हो गया, ओ शेट, शायद तक हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखता हूँ मैं। ओके ये आ जा रहा है हमारा, ठीक है रुक जाओ मैं कुछ करता हूँ तो ठीक है मैंने किया है, अटक मत मेरे भाई, मैंने कुछ किया, जैसे कि देख सकते हो हमारे 1 ब्लॉक ही हुआ। अब ये वाला को मैं तोड़ लूँ, तो देख लो ये हमारा 2 ब्लॉक हो गया, 1 2 1 2। इसको आपको 2 ब्लॉक ऐसे डीपर रखना है, मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा वरना हमारा प्रॉब्लम होगा, मेरे को असल में एक एक ब्लॉक और आगे करना पड़ेगा वरना फिर हो जाएगा प्रॉब्लम। तो देख सकते हो ये हो गया हमारा 1 ब्लॉक समझो, मैं इन सबों को वापस से लगा देता हूँ ताकि ऐसे ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया हमारा 1 ब्लॉक, तो अब हमको इसको क्या करना है, 3 ब्लॉक। तो ये हो गया 2 ब्लॉक, मैं कुछ थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा इसको, इसको मैं थोड़ा सा और आगे से ब्लॉक कर दूँ, और इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है तो देख सकते हो 1 2 3 3 ब्लॉक ये हो गए हमारे, अब ऊपर भी हमको पूरा खोद लेना है। तो देख लो गाइस कुछ ना कुछ होना ही, मतलब ये जगह ही पापी है, मतलब समझ लो ये 1 1 2 3 एंड 1 2। तो देख सकते हो ये हमारा जगह बन चुका है 3x2 का, तो बस हमको ऐसे ही बनाया था। फिर जो हमारा मिडिल ब्लॉक है ये वाला, इसको देखो हमको ऐसे 2 ब्लॉक और आगे ले जाना है, देखो इसको 1 ब्लॉक यहाँ रख देना है, अब हो जाएगा ठीक। तो देखो 2 ब्लॉक आगे ले जाना है और 1 ब्लॉक ऐसे रख देना है, तो उसके ऊपर वाले ब्लॉक को निकालना है, ये वाले ब्लॉक को नहीं निकालना है। तो इसको मैं ऐसे फिर से ऊपर तक रख लूँ ताकि हमको थोड़ा सा अच्छा बन जाए करते हमारा काम, मैं पूरा खोल लेता हूँ ऊपर तक। तो हो गया, देख सकते हो हमको कुछ ऐसे करना है, जो बीच में हमारा ब्लॉक है ये वाला, तो इसको हमको ऐसे 2 ब्लॉक और आगे ले जाने और 1 ब्लॉक ऐसे खड़ा करना है। मतलब हमको ये नहीं करना कि इसको भी पूरा प्लेन कर देना, मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है 1 2 एंड 3, इसको भी कवर कर लूँ मैं,
पीछे का भी कवर कर लेता हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि मैं अभी मेरा सारे जितने ब्लॉक्स मैंने मुझे इस्तेमाल किया मैं सबको निकालूंगा। शेट, मतलब हद हो गया यार, कुछ ना कुछ टूट ही जा रहा है। मेरे को इसका भी रेडस्टोन का थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ गया। कोई नहीं, 1, 2 एंड 3 मैं थोड़ा सा इसका रेडस्टोन जो है इसको मैं इस तरफ से ले जाता हूँ, कुछ ऐसे मेरे पास रेडस्टोन होंगे। इसका रेडस्टोन ठीक है, इसका रेडस्टोन ना गड़बड़ हो गया, मेरे को इसको भी तोड़ना होगा, इसको भी तोड़ना होगा, ये रेडस्टोन के कारण मेरे को तोड़ना पड़ रहा है। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको भी तोड़ लूँगा एक बार, और ये यहाँ से रेडस्टोन आएगा और इन रेडस्टोन को तोड़ लेंगे और इधर ब्लॉक्स लगा दूंगा। तो हो गया, इधर का हमने कवर कर लिया, फिर इसको भी मैं कवर कर लूँ। तो ठीक है, फाइनली हमने सारा जगह खोद लिया है जैसे तैसे करके। तो हमें जितने भी रेडस्टोन है हम उसको पूरा ऐसे बिछा देंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। इस पर भी बिछा देंगे, इस पर भी बिछा देंगे। जो ऊपर वाला ब्लॉक आप देख रहे हो इस पर हमको ये रेडस्टोन टॉर्च रखना है, एक इधर एक इधर। अब ये जो रेडस्टोन टॉर्च आप देख रहे हो इसके ऊपर एक ब्लॉक रखना है। मैं एक बार इस रेडस्टोन को तोड़ लूँ ताकि ऊपर चढ़ सकूँ, और उस रेडस्टोन के ब्लॉक के ऊपर हमको एक रेडस्टोन डस्ट रख देना है। तो हमारा काम हो गया, तो इसका काम हो गया। अब इधर भी एक ब्लॉक रख देते हैं, उसको एक बार तोड़ लूँ, और ये रेडस्टोन डस्ट हमने रख दिया और ये यहाँ पर लग गया। बस हमारा काम हो गया, हमारा बिल्ड बन चुका है। बस हमको ये रखना है, मतलब बनाना पड़ेगा। रुक जाओ, यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल बोल, पहले मैं चीज़ चेक कर लूँ। हाँ, ये काम कर रहा है, यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। और मेरे को बनाना है पिस्टन, मेरे को 4 पिस्टन बनाने हैं, थोड़े से और लकड़ी लगेंगे। डायनेमो क्या हुआ, मेरे को अभी कुछ याद समझ नहीं आया, लेकिन छोड़ते हैं उसको। और मेरे को और 2 बना लेना है, फिर हमको 4 स्टिकी पिस्टन बना लेना है। ऐसे भी देख लो, पिस्टन के ये हैं स्टिकी पिस्टन के, उसके ऊपर बस एक स्लाइम बॉल रख देना है जो हमने अभी इकट्ठा किया था। फिर हमको देखो, हमको ये नहीं रख, मतलब पहले तो यहाँ से ब्लॉक रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमको रेडस्टोन पे नहीं रखना है, रेडस्टोन के ऊपर जो ब्लॉक है जो हमने लगाया था उस पर हमको एक पिस्टन चिपका देना है, और क्राउच करके उस पिस्टन के ऊपर एक रख देना है, बिल्कुल ऐसे। तो हमारा काम हो चुका है, अब हमको बस एक ही चीज़ करना है, यहाँ से निकलना है। मैं रेडस्टोन कहाँ रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये लगा सकता हूँ, ये अब हमको यहाँ पर ब्लॉक्स लगा देना है। मेरे पास होगा ये वाले में लगा देता हूँ, जो भी है मेरे पास वो लगा दूँगा। और ये जो है ये वॉल, इस वॉल को हमको, मैं कुछ भी अभी लगा दे रहा हूँ, मैं बाद में सब बदलूँगा। अभी मेरे को इसको भी करने ही पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए प्रेशर प्लेट ताकि मैं इसको खोल बंद कर सकूँ। मेरे को चाहिए प्रेशर प्लेट, मेरे को 4 प्रेशर प्लेट चाहिए। और ठीक है, 4 प्रेशर प्लेट आ गए मेरे पास, इधर कहाँ घूम रहा हूँ। 2 प्रेशर प्लेट हमको इधर रख देना है, मतलब जिस ब्लॉक पे हमने रेडस्टोन का स्टार्टिंग किया था वो, रुक जा भाई, उस पर हमको रख देना है। और दूसरा रेडस्टोन हमको, मतलब प्रेशर प्लेट हमको इधर रख देना है दूसरी तरफ जहाँ से हमने रेडस्टोन का काम ख़त्म किया था। और मैं इस स्टैंड को हटा के थोड़ा सा लाइटिंग चालू कर दूँ इधर, ताकि हम अंधे ना रहें, ठीक है। तो आप जैसे आप प्रेशर प्लेट पर खड़े होगे खुल जाएगा, प्रेशर प्लेट पर खड़े होगे बंद जाएगा, ये देखो आराम से। बस हमको ये ब्लॉक्स को चेंज करना होगा। तो जिन लोगों को अभी समझ नहीं आया उनको मैं समझाने के लिए आपको लेके चलता हूँ एक क्रिएटिव वर्ल्ड में। तो ठीक है, मैं आ गया हूँ क्रिएटिव वर्ल्ड में। अब वो करना क्या, आपको एक जगह ले लेना है अंडरग्राउंड कहीं पर भी, फिर वो करना क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको ऐसे 2x3 का एक ऐसे गड्ढा खोद लेना है, फिर उसको 2 ब्लॉक का नीचे कर लेना है बिल्कुल कुछ ऐसे। फिर आपको इनका बीच का ब्लॉक, यानी कि ये जो ब्लॉक है इस पर आपको ऐसे 2 ब्लॉक निकाल लेने हैं दोनों साइड से। तो देख लो, दोनों ब्लॉक से मैंने 2 ब्लॉक से निकाल लिए हैं। फिर आपको क्या करना है, जो तीसरा साइड है, तीसरा ब्लॉक, उसमें सिर्फ आपको एक ही ब्लॉक निकालना है, दो ब्लॉक नहीं निकालने, एक ही ब्लॉक निकालना है। तो देख सकते हो मैंने एक एक ब्लॉक निकाल लिया। फिर आपके पास जो रेडस्टोन है
उसका पूरे जगह लगा दो, मतलब पूरे जगह लगा दो, और इसको कैसे वर्क करता है वो बताऊँगा। तो जो ऊपर का हो रहा है उसका कोई रेडस्टोन टॉर्च लगा देना है, बिल्कुल कुछ ऐसे। फिर रेडस्टोन टॉर्च के ऊपर आप एक ब्लॉक लगा दो, कोई से ब्लॉक लगा दो, डर्ट लगा दो, कोई सा भी लगा दो। तो मैं यहाँ एमरल्ड ब्लॉक इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, जो कि अल्ट्रा रेयर होते हैं। फिर इस ब्लॉक जो आप लगाए हैं उसके ऊपर आप एक रेडस्टोन रख दो, नहीं मैं इसका इस्तेमाल नहीं, इसका इस्तेमाल करूँगा, ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसके ऊपर एक रेडस्टोन लगा दो, कि जो भी ब्लॉक आप लगा रहे हो उसके ऊपर एक रेडस्टोन लगा दो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो अपनी जितना भी जगह खोदा था उसको आपको कवर कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप प्रेशर प्लेट लगाओगे तो देख सकते हो रेडस्टोन बंद हो गए हैं, और हटूँगा तो चालू हो जाएंगे। तो उसको कैसे काम किया मैं आपको बताता हूँ। ये है आपको स्टिकी पिस्टन, इसके पीछे मैंने नीचे लगाया एक रेडस्टोन, ऊपर मैंने लगा दिया ब्लॉक। तो देख सकते हो एक्टिवेट हो गया है, ठीक। और उसी मैं देखो यहाँ पर मैंने रेडस्टोन लगाया, यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च, तो वो रेडस्टोन टॉर्च मतलब दो रेडस्टोन पावर एक साथ हो जाता है, उसलिए रेडस्टोन टॉर्च ऑफ हो जाता है, उसके कारण ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हमको मैं एक प्रेशर प्लेट हटा दूँ। फिर आपको जो स्टिकी पिस्टन है उसका आप एक ब्लॉक पे ऐसे दबा कर लगा दो, एक उसके ऊपर लगा दो, ब्लॉक पे दबा कर लगा दो, एक उसके ऊपर लगा दो। फिर बीच में आपको जो भी ब्लॉक्स रखने हैं वो लगा दो। फिर यहाँ पर प्रेशर प्लेट लगा दो और हो गया। अब मैं इसके ऊपर आपको कवर करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपने घर के अंदर बनाते हो या कहीं पर भी बनाते हो तो कैसा लगेगा। और ये सबसे ईजीएस्ट है, मतलब इससे ईजी आपको नहीं मिलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। आप हो भी सकते ईजी मिले या ना मिले, मतलब सबसे वॉल है। अगर आप ग्लास पे कुछ और ब्लॉक लगाते हो, जैसे कि मैं ये लगा देता हूँ ये वाला, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये गेट खुलता है और बंद हो जाता है। आपको एक और भी आता है जिसमें आपको ये जो रहता है ये आपको कुछ ऐसे रहेगा, फिर आप यहाँ पर ये लीवर दबाओगे फिर ये खुलेगा, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं है, ये इजी वाला है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, जैसे मैं पैर रखा ये खुल गया, पैर रखा खुल गया। अब यहाँ पर अगर मैं कोई आइटम भी थ्रो करता हूँ तो भी ये खुल जाता है, जैसे कि बस प्रेशर प्लेट दबना चाहिए। अगर आप प्रेशर प्लेट की जगह रखते हो रेडस्टोन तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसी की जगह आप एक लीवर या फिर बटन रखते हो, मैं आपको बताता हूँ, ये लीवर मैंने रखा तो खुल जाएगा और ये कभी बंद ही नहीं होगा, क्योंकि रेडस्टोन को पावर मिलते ही जा रहे हैं। तो आपके पास आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ ऐसा जाते हो बंद कर दो, इसे खोल लो, जाते हो फिर बंद कर लो। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो रेडस्टोन मैं आपको बताता हूँ, इधर से खोलेंगे हम इधर, ओके आ गया। तो ये जो रेडस्टोन है मैं उसको इधर ले आता हूँ और फिर इधर ले आऊँगा, और देखो कुछ ऐसे। अब यहाँ पर लीवर लगा दूँगा, अब जैसे लीवर को यूज़ करूँगा ये खुल जाएगा। जैसे मैं दूसरे तरफ से भी कर लूँगा, लेकिन वो उससे अच्छा मैं बता रहा हूँ, आप प्रेशर प्लेट ही लगा लो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा और ज़्यादा पचपच नहीं होगा। तो ठीक है, अगर अच्छा सोचेगा जैसे थोड़ी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करते रहो। एंड रिमेंबर दैट डीजी आर्मी इज ग्रेट।